नमस्कार, स्वागत है आपका माय नेशन में। मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे उस खबर के बारे में जहां उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 23 बच्चों को 8 घंटे तक बंधक बनाया गया था। फर्रुखाबाद में जमानत पर छूटे हत्या के दोषी ने गुरुवार को 23 बच्चों को 8 घंटे तक घर में बंधक बनाए रखा। दिन में पुलिस और एटीएस बच्चों को छुड़ाने में नाकाम रही। इसके बाद देर रात एनएसजी कमांडो का एक दस्ता फर्रुखाबाद रवाना हुआ, लेकिन रात करीब 1 बजे पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया और बदमाश सुभाष बाथम के घर का दरवाजा तोड़कर बच्चों को सुरक्षित निकाला। इसी दौरान मुठभेड़ में बाथम मारा गया। पुलिस ने जख्मी हालत में उसकी पत्नी रूबी को अस्पताल भेजा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बदमाश ने गांव वालों से बदला लेने के लिए बेटी की बर्थडे पार्टी के बहाने बच्चों को बुलाकर अंडरग्राउंड कमरे में बंद कर दिया था। गुरुवार दोपहर बेटी के जन्मदिन के बहाने उसने गांव के बच्चों को अपने घर बुलाया। सभी बच्चे दोपहर करीब 2:30 बजे उसके घर पहुंचे। इसके बाद उसने घर अंदर से बंद कर लिया। करीब शाम 4:30 बजे एक महिला अपने बच्चे को लेने के लिए सुभाष के घर पहुंची तो पता चला कि अंदर बच्चे बंद हैं। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर गई, लेकिन शातिर सुभाष के आगे उनकी एक नहीं चली। वह घर के अंदर से देसी बम और देसी कट्टे से फायरिंग करता रहा। डीजीपी ओपी सिंह ने देर रात 1 बजे बताया कि पुलिस ने पिछले दरवाजे से घर में घुसने की कोशिश की और इस पर बाथम ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। इस दौरान उसकी पत्नी भी घायल हो गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस टीम को 10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि बाथम के घर की तलाशी के दौरान राइफल, कारतूस और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। इतने असलाह से वह पुलिस के साथ 3 दिन तक मोर्चा ले सकता था। ज्यादा वक्त तक पुलिस को इंगेज रख सके, इसलिए रुक रुक कर फायरिंग कर रहा था। शुरुआत में दहशत पैदा करने के लिए उसने पुलिस और ग्रामीणों पर गोलीबारी की। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। इसके बाद वह नशे में छत पर चढ़कर चीखने लगा कि अब पुलिस उसे पकड़ने आई तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। यहां गांव के लोग जमा हो गए। बच्चों को छुड़ाने पहुंची पुलिस टीम पर उसने गोलियां भी चलाई। 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस ने बाथम के दोस्त को उसे मनाने के लिए भेजा और उसे भी गोली लग गई। बाथम ने 6 बार फायरिंग की और घर के बाहर हथगोला भी फेंका था। इतना ही नहीं, उसने 35 किलो बारूद से घर को उड़ाने की धमकी भी दी। एक पड़ोसी ने बताया कि सुभाष साल में दूसरी बार बेटी का बर्थडे मना रहा था। वह 8 से 10 हजार रुपए का सामान लाया था। मोहल्ले में खेल रहे बच्चों को उसने टॉफी का लालच देकर बुलाया। बाथम को मौसी की हत्या के मामले में उम्र कैद हुई थी। 10 साल तक वह जेल में रहा, फिर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। करीब 4 महीने पहले स्वाट टीम उसे चोरी के मामले में पकड़ कर ली गई थी। तभी से वह गांव के लोगों से दुश्मनी रखता था। उसे शक है कि गांव वालों की वजह से ही वह मर्डर केस में फंसा था। पुलिस और ग्रामीणों से बदला लेने के लिए उसने बच्चों को बंधक बनाने की योजना बनाई थी। माय नेशन के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे इन खबरों और वीडियोस के लिए बने रहिए माय नेशन के साथ।